वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ अर्नव। और यार आज की वीडियो होने वाली है टीयर थ्री स्टूडेंट्स के ऊपर। और एज अ टीयर थ्री स्टूडेंट, मैं भी एक टीयर थ्री स्टूडेंट हूँ मेट से, ठीक है। तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती है टीयर थ्री स्टूडेंट को, और क्या से कैसे मतलब उनको बेसिकली जो चीज़ें डिफिकल्टी है वो चीज़ डिफिकल्टी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि डिफिकल्टी है, बट रियलिटी में डिफिकल्टी कुछ और ही है। तो उसकी चीज़ में हम आज वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यार पहली चीज़ तो ये कि यार टीयर थ्री में होके भी तुम बड़ा उखाड़ सकते हो, बट भाई तू कौन होता है ये हमें बताने वाला, तूने क्या उखाड़ा है। सो यार मैं कोई नहीं होता है बताने वाला, बट रोहित नेगी सर है जिन्होंने टीयर थ्री कॉलेज से अमेजोन उखाड़ा है, और उनका पूरा पॉडकास्ट चैनल पे अवेलेबल है। उनसे जो मुझे गाइडेंस मिली है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ऐसी काफ़ी और लोग हैं, जैसे कुणाल खुशवा सर हो गए, जैसे स्ट्राइवर भैया तुम्हारे, राज विक्रमादित्य सर हो गए, ये जो सारे लोग हैं टीयर थ्री कॉलेज से बिलोंग करते थे, और आज आईआईटी के बच्चे भी डीएसए इनसे पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और रियल प्रॉब्लम क्या है। जब से मैं बोले जा रहा हूँ कि रियल प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, रियल प्रॉब्लम कुछ और है, तो यार रियल प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आज कल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर तुम कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो गया हो, चाहे डीएसए में हो गया हो, चाहे ओपन सोर्स में हो गया हो, चाहे डेवलपमेंट में हो गया हो, चाहे सीपी में हो गया हो, एंड सो ऑन। तुम बहुत कुछ खुद कर सकते हो क्योंकि सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। और आईआईटी में भी कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहे जो तुम बिल्कुल एकदम कवर्ड है कि उसको कोई बाहर नहीं निकालना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा है आईआईटी में। आईआईटी आईआईटी के बच्चों की वजह से बनता है। और तुम अपना टीयर थ्री कॉलेज के अंदर एक छोटा सा आईआईटी बना सकते हो, क्या भाई पागल वागल हो गया क्या, क्या बोल रहा है। सो यार देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि आईआईटी आईआईटी उनके बच्चों की वजह से बनता है, मतलब उन लोगों का जो माइंडसेट है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है जैसे वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तब से, ठीक है। तो तुम ऐसे बच्चे जिनका माइंडसेट काफ़ी अच्छा है, वो पहले से फोकस्ड है, वैसे तुम अपने टीयर थ्री कॉलेज में ढूंढ सकते हो, ठीक है। और उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ाकर, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाकर, उनके साथ काफ़ी ढंग से एक काइंड ऑफ अपना एक छोटा सा आईआईटी बना सकते हो अपने टीयर थ्री कॉलेज में। जो वो ग्रुप होगा वो सारे अलाइन माइंडसेट के बंदे हैं जो साथ में वर्क कर रहे हैं टू ग्रो। तो यार इससे बेटर चीज़ क्या होगी। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पीयर ग्रुप ढंग से चूज करना। तो यार जब तुम कॉलेज में जाओगे तुम्हें 3 से 4 तरीके के बच्चे देखने को मिलेंगे। एक जो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे कि भी 10 CGPA आ जाए, मेरे को तो कॉलेज में फर्स्ट आना है, एंड सो ऑन। एक होगा जो लग के कोडिंग कर रहा होगा कि मतलब भाई मुझे तो कोडिंग में ही जाना है और कुछ नहीं। एक होगा जो थोड़ा बहुत कोडिंग कर रहा होगा, थोड़ा बहुत कॉलेज का भी पढ़ रहा होगा, और थोड़ा बहुत सोसाइटी सोसाइटीज़ में सोशल होने की कोशिश कर रहा होगा। सो मेरे हिसाब से एज अ टीयर थ्री स्टूडेंट, मैं अभी थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ कि मैं ऐसे कुछ प्योर कोडिंग भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं तीनों चीज़ें काफ़ी अलाइन कर रहा हूँ। विद टाइम तुम्हें एक दो चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे तो अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो तो सोशलाइजिंग बढ़ा दो, कोडिंग थोड़ी बहुत चलेगी, कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी बहुत चलेगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में आते आते कोडिंग बढ़ा दो, कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी बहुत चलेगी, सोशलाइजिंग थोड़ी बहुत चलेगी। ऐसे तुम्हें अपने जो पैरामीटर्स हैं इनको ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर तुम इजिली कॉन्कर कर पाओगे जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी, ठीक है यार। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये मेरी थोड़ी जर्नल जो मेरे को बताना था, बेसिकली थोड़ा जर्नल वो मैंने बता दिया। अब पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर आते हैं कि यार पहले तो इस कैटेगरी में बच्चे को 3 हिस्सों में बांटा है। तो पहले वो हिस्सा आएगा जो बच्चा 11th से जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, स्टिल उसका टीयर थ्री कॉलेज में हुआ। फिर आएगा एक बच्चा जिसको लास्ट के 6-7 महीने में पता चला कि जेई वाला क्या है, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसे एक टीयर थ्री कॉलेज मिल गया, और वो थोड़ा ठीक ठीक सेटिस्फाइड भी है, थोड़ा थोड़ा दुखी भी है कि काश पहले कर लेता तो मिल जाता। तीसरे नंबर पर आएगा जिसको लग रहा है जो उसे कॉलेज मिला वो भी काफ़ी ऊपर है, मतलब बेसिकली उसने पेपर ऐसे ही दिया था, वो बोर्ड का पढ़ रहा था, बट उसके 6% आ गई, तो उसके पेरेंट्स ने कहा इंजीनियरिंग कर, या फिर उसका मन हुआ इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, और उसने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया ऐसी किसी टीयर थ्री कॉलेज में। बेसिकली लगा लो तुम आईपीयू के, जैसे मेट हो गया, बीवीसी हो गया, बीवीसीओपी, एजीडीटीएम हो गया, इनमें अच्छी ब्रांच सीएससी आईटी मिल गई, ठीक है। बेसिकली ये मैं जो बात करने वाला हूँ मेरे लिए 2-3 लाख जो रहेगा ये ऊपर के उनके लिए, क्योंकि यार 70% आए तक तो सबकी आई जानी चाहिए, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज भी आई तो, ठीक है। उससे नीचे आई है तो तुम अपने ऊपर और काम कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही, बट तुम इस पर और काम कर सकते हो अपने ऊपर, और अपने आप को बेटर बना सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें टीयर थ्री कॉलेज मिल गया, जो पहले बात करते हैं थर्ड थर्ड टाइप ऑफ बच्चों की, जिन्होंने को पता ही नहीं था कि जेई भला क्या है, और उन्होंने सिर्फ पेपर जाके दे दिया और उन्हें टीयर थ्री कॉलेज मिल गया क्योंकि उनके काफ़ी अच्छी परसेंटेज ला गए, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम तुम्हारी दिमाग की नहीं है, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हारे में मतलब कैपेबिलिटी है। प्रॉब्लम है या तो लेजीनेस हो सकता है या तुम्हारा रिसोर्सेज हो सकता है। तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिसोर्सेज यार यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, बट कोई तुम्हारे को हाथ पकड़ के नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट लेने के लिए ये करना पड़ता है, ये करने के लिए ये करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स के लिए करना पड़ता है, ओपन सोर्स क्या है, डीएसए क्या है, लीड कोड क्या है, कोड शेफ क्या है, सीपी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों में खुद जाननी पड़ेगी यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब, ट्विटर, कहीं से लिंक्डइन,
ठीक है, कोई डाउट हो तो लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है यार, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब हम कहाँ पर थे कि अगर जो थर्ड कैटेगरी का बच्चा है तो उसके अंदर काफ़ी दिमाग है, बेसिकली तुम्हें अपनी लेजीनेस मे बी यहाँ पर तुम्हें अवेयरनेस ही ना हो जाएगी, तो लेजीनेस में नहीं आएगी, तो लेजीनेस एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस में रिसोर्सेज आएंगे, तो इन दोनों चीज़ों पर अपने काम करना है। दूसरे बच्चे वो आते हैं जिन्होंने लास्ट के 6-7 महीने में इतना फोड़ दिया कि उन्हें अच्छा अच्छा टीयर 3 कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल गई, CSE, IIT, CST, इतनी ऐसे तक ब्रांच मिल गई। तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार देखो, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि 6-7 महीने में तुमने एक ऐसा एग्जाम फोड़ दिया, काइंड ऑफ फोड़, मैं अपने लिए फोड़ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने लास्ट के 6-7 महीने में मेहनत करके 96% निकाल ली और मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुश था इस चीज़ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नाउ अब पॉइंट आते हैं कि तुम्हें अवेयरनेस की कमी है, तुम्हें रिसोर्सेज नहीं पता। अब वो सेम गलती तुम यहाँ ना करना, कहीं तुम सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जाके देख लो चीज़ें की क्या क्या कैसे कैसे वर्क करती है, फर्स्ट ईयर अपना रिसर्च में निकालो क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए मुझे, ऐसे कर लूँगा तो हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, वो काफ़ी बेटर रहेगा। सेकंड ईयर तक तुम एकदम पक्के हो जाओगे कि अच्छा मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीख लो, थोड़ा बहुत वेब सीख लो, थोड़ा बहुत एंड्रॉइड सीख लो, थोड़ा DSA तो करना ही है, देखो DSA तो सबको पता है फिक्स्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत सब कुछ कर लो और जो भी ज़्यादा सही लगे उसमें अपना करियर ऐसा आगे चूज कर सकते हो। ठीक है, तीसरे टाइप के वो बच्चे आते हैं जो 11th से तैयारी कर रहे थे। तो यार तुम्हारी जो मेन प्रॉब्लम है या तो वो प्रोकेस्टिनेशन है या लेजीनेस है, क्योंकि दिमाग सबके पास होते हैं, ये फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर तुम चीज़ों को समझना चाहोगे, अपनी दिमाग को किसी और चीज़ से किसी और चीज़ में डाइवर्ट करोगे तो वो चीज़ समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिमाग की कमी है या तुम्हें इतना नॉलेजेबल नहीं हो, इतना इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई भी बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे तुम चीज़ें वर्क करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हें प्रोग्रेस दिखती रहेगी। तो बेसिकली तुम्हें अपने प्रोकेस्टिनेशन और लेजीनेस पे काम करना है। रिसोर्सेज तुम्हारे को पता है कि तुम कहाँ से ढूंढ लोगे, इस बार भी ढूंढ लोगे। अगर तुमने JEE में 11th 12th में रिसोर्सेज ढूंढ लिए तो तुम अभी भी ढूंढ लोगे, अनटिल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बस कोचिंग में डाल दिया, वो एक अलग सीन है। बट अगर वो डाल भी दिया था तो तुम यार यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो, तुम्हें इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेन पॉइंट यही है, पहली चीज़ तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, अब आते हैं एक और मैसेज के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज और लास्ट मैसेज होगा मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो का। तो यार अब तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब। ठीक है यार, मेन मैसेज पर, तो यार मेन मैसेज यही रहने वाला है कि अगर तुम ये सोच के हताश होते रहे, ये सोच के डिप्रेस होते रहे, ये सोच के अपने इमोशंस खराब करते रहे, ये सोच के अपनी एनर्जी कम करते रहे कि मुझे Tier 3 कॉलेज मिल गया, अगर मैं इतना और पढ़ लेता तो D2 मिल जाता, D2 वाले ये सोच रहे कि मैं इतना और पढ़ लेता तो IIT दिल्ली मिल जाता, IIT दिल्ली नीचे वाली ब्रांच सोच रहे हैं कि मुझे IIT दिल्ली CSE मिल जाती अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता, कोई अच्छी ब्रांच मिल जाती, तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी, तुम्हारा ही लॉस होगा सबसे ज़्यादा। ट्राई टू फोकस नाउ, अभी भी बहुत टाइम है, तुम्हारे पास 4 साल है, 4 साल में तुम बहुत बढ़िया चीज़ें उखाड़ सकते हो अगर फोकस से काम करो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो। मैं समझ सकता हूँ कि क्या पता किन्हीं का इंटरेस्ट ही कोडिंग में हो, पर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी पड़ रही हो, काफ़ी लोगों के साथ ही होता है। बट नाउ यू हैव द ऑप्शन कि तुम्हें जो करना तुम करो, तुम्हारा कंटेंट राइटिंग में माना कंटेंट राइटिंग करो, तुम्हारा ग्राफिक में माना ग्राफिक बन रहो, तुम्हारा वीडियो एडिटिंग में माना वीडियो एडिटिंग करो, तुम्हारा कंसल्टिंग में माना कंसल्टिंग करो, और भी जितना जो भी मर्जी बहुत चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ में तुम जाना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि हम किसी से कम है। ठीक है, पॉइंट यही है, एक Tier 1 का जो स्टूडेंट है उसको बेशक अपना काम ना दिखाना पड़े, उनके कॉलेज की वैल्यू हो जाए, बट एक Tier 3 जो स्टूडेंट है उसको अपने काम से चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये मेरा काम है, अब तुम मुझे बताओ सेलेक्ट करोगे या नहीं, अपने ये मेरे प्रोजेक्ट्स है, ये मेरा DSA है, ये मेरा लीड कोड की स्ट्रीक है, SS1। ठीक है, मे बी ये चीज़ एक Tier 1 के कॉलेज के बच्चे को ना करनी पड़े एक डिसेंट पैकेज लेने के लिए, बस यही अंतर है। तो अगर तुम काम करने से डर रहे हो तो तुम्हें डिप्रेस होना चाहिए कि मैं डर रहा हूँ मैं काम नहीं कर सकता, तो तुम्हें डिप्रेस होना चाहिए कि मेरा कम पैकेज लगेगा। बट अगर तुम मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो और स्मार्ट वर्किंग हो तो तुम चीज़ें कर पाओगे, और बस यही है कि ये Tier 3 अभी, ये Tier 1 है, अगर Tier 1 यही रहता है ना तो तुम एक साल में यहाँ तक पहुँच जाओगे, अगर Tier 1 धीरे धीरे बढ़ता है ना तो तुम मुझसे थोड़ा ज़्यादा तेज़ बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाओगे, तुम्हें बस इक्वल होना है बेसिकली, यही है। तुम्हें Tier 1 वाले से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, 3 गुना से भी ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, Tier 1 और Tier 3 में 3 का अंतर आ गया ना, उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसने गुना ज़्यादा मेहनत। ठीक है, तो यही था कि बेसिक वीडियो में, अपने आप को बिल्कुल भी ये मत सोचो कि तुम किसी से कम हो, ऑलवेज थिंक कि तुम कर सकते हो तो तुम कर पाओगे। मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ कि सब सोचा कि संदीप पेशवरी वगैरह वगैरह, बट मैं जनरल फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि यार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेलेबल है। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि अगर 10,000 रैंक ज़्यादा आ जाती तो DTU में EC मिल जाती, 20,000 रैंक ज़्यादा आ जाती तो DTU में IT मिल जाती, कितना बढ़िया होता, इंटर्नशिप लग जाती, प्लेसमेंट लग जाती। बट अब जहाँ मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, जितना मैं जान सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता यार तुम DTU IT में हो या DTU CSE में हो या DTU मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में हो या MET CSE में हो, फर्क यही पड़ता है कि क्या पता
फर्क यही पड़ता है तुम कितनी मेहनत करते हो। क्या पता यार DTU CSE DTU IIT वाले के बच्चों का पैकेज अलग है, मेट CSE वाले का अलग जाए, डिपेंड्स ऑन देयर हार्डवर्क। सो डोंट स्टॉप योर हार्डवर्क। सो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें थोड़े बहुत रिसोर्सेज वगैरह चाहिए कि ओपन सोर्स कहाँ से कर सकता हूँ, वेब डी कहाँ से कर सकता हूँ, CP कहाँ से कर सकता हूँ, AIML कहाँ से कर सकता हूँ एंड सो ऑन, तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि जितना मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है ये चीज़ें कर करके, वहाँ से तुम उसको कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक एक अगर तुम चाहते हो पूरा रोड मैप बनाऊँ कि फर्स्ट ईयर में पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो वो भी मैं बना दूंगा अगर तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।